नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मी मानसा मलिक, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को निर्देश दिया है कि वो शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र में जाकर नोट बदलवाने में आम जनता की मदद करें। पीएम ने इसको लेकर सभी बीजेपी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। इस पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, जरा तफसील से बताएं, पीएम ने जो चिट्ठी लिखी है बीजेपी सांसदों को, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई? देखिए मीमांसा जी, सबसे पहले तो विपक्ष जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में नोटबंदी के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश करी कि लोग परेशान हैं, उसकी धार को कुंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक पहल की है और उसका पालन बीजेपी संसदीय पार्टी कार्यालय द्वारा हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है अपने सभी सांसदों को कि शनिवार और रविवार जो लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई नहीं होती है, अपने अपने क्षेत्र में जाए। जो लोग एटीएम में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या अन्य जगह जहां पर पैसे की लेन देन हो रही है, निकाला जा रहा है, निकासी हो रही है, वहां पर जाए, लोगों से बात करें, उनकी जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें दूर करें, और नोटबंदी के बारे में क्यों ये फैसला लिया गया उसकी जानकारी दे, इससे क्या फ़ायदा होगा उसकी भी जानकारी दे। मीमांसा, एक बार और बता दूँ कि बीजेपी संसदीय कार्यालय ने सभी सांसदों को मेल करके ये भी बताया है कि RBI और फिनांस मिनिस्ट्री ने नोटबंदी के फैसले के बाद अभी तक क्या क्या और कदम उठाए हैं, चाहे शादी में रिलैक्सेशन हो या किसानों को हो या दूसरे लोगों को, जो जो रिलैक्स दिया गया है उसके बारे में भी जानकारी दे। अभी तक वित्त मंत्रालय ने लगभग 11 और RBI ने 16 गाइडलाइंस नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए, इन सब की कॉपी भेज दी गई है सभी सांसदों को। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है और प्रधानमंत्री खुद तैयारी कर ली है कि अगले हफ्ते जब इस पर लोकसभा में पुख्ता बहस शुरू होगी तो उस समय बीजेपी के सभी सांसद पूरी तैयार रहें, सरकार तैयार रहे कि लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए। न सिर्फ सरकार तैयार है बल्कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की धार कुंद करने की बड़ी पहल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जी बिल्कुल, विपक्ष की धार को कुंद करने की कोशिश है क्योंकि लगातार संसद में किसी तरह का कोई कामकाज हो नहीं रहा है, और वही विपक्ष की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि न सिर्फ संसद में बल्कि सड़क पर भी उतर कर जो आम लोगों की परेशानियां हैं उनको भुनाने की एक तरीके से कोशिश की जाए और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो। लेकिन इस बीच जो परेशानियां आम जनता को हो रही हैं, लंबी लंबी कतारें किस तरह से वो कम की जाएं, उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब ये जो इंक लगाने का जो वो है वो सिलसिला शुरू किया गया है, लेकिन इसके अलावा रविंद्र, जो दूर दराज के इलाके हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खाते भी नहीं हैं, उनको सही जानकारी नहीं है, उनकी सहूलियत के लिए कुछ सरकार सोच रही है? देखिए मोहन साहब, वित्त मंत्रालय इस बारे में कहीं ना कहीं अब कदम उठा रही है, और मैं बता दूं कि रोज जब से यह फैसला हुआ है और प्रधानमंत्री जापान से जब से लौट कर आए हैं, प्रधानमंत्री देर रात तक 12-1 बजे रात तक फिनांस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से, फिनांस मिनिस्टर के साथ रोज इस बारे में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या और कदम उठाया जाए, और नेक्स्ट डे वित्त मंत्रालय उस पर फैसला भी ले रहा है। आपने देखा किसानों के बारे में कल हुआ, शादी को लेकर कल फैसला लिया गया, आज भी एक देर रात बैठक चलने वाली, कल भी लगभग 12 बजे रात तक प्रधानमंत्री का ऑफिस घर घर पर वित्त मंत्री और उनके अधिकारी सब बैठक करते रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है कि दूर दराज के गाँव में, अभी तो दिल्ली और मुंबई में ही दिख रहा है कि लंबी लंबी लाइन है, लेकिन गाँव में जहाँ पर बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, दूर में है, वहाँ लोगों की जो परेशानियाँ हो रही है उसे भी दूर करने की भरसक कोशिश कर रही है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से जानकारी देने के लिए रविंद्र। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का एहसास है कि जो कदम उनकी ओर से उठाया गया है वो ज़रूर बहुत ही प्रभावी कदम है, लेकिन जो दिक्कतें आम जनता इस वक्त झेल रही है उनको किस तरीके से दूर किया जाए, इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं सभी बीजेपी सांसदों को कि वो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करें।